दोस्तों, बात अब ये आती है कि आपने अपना काम कहाँ पे शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। तो जब आप फोटोग्राफी का व्यवसाय शुरू करेंगे तो पहले अपनी लोकल मार्केट में उसका सर्वे कर लीजिए कि कहाँ पे आपका काम अच्छे ढंग से चल सकता है और पहले से आपके व्यवसाय में कितने लोग वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये सर्वे कर लीजिए कि कहाँ आपने अपने स्टूडियो को सेटअप करना है और कहाँ पे आपका काम अच्छे ढंग से चल सकता है। कितने स्कूल आपके नियर अबाउट है, स्कूलों का मैं इसलिए ब्यौरा दे रहा हूँ क्योंकि बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं, वहाँ से आपको इनकमिंग आती है। कितने ब्लॉक ऑफिस है, कितना ऑफिशियल वर्क है आपके पास, कितना पासपोर्ट बनने की संभावना है। मैरिज इंडस्ट्री तो आपको पता ही है कि लोकल इसमें हर एक शादियों में आजकल कोई भी ऐसा वो नहीं होगा जो शादियों में फोटोग्राफी ना करा। प्री वेडिंग शूट है, फिर मैरिज कवरेज है, ये सारे काम जो है वहाँ हर एक जगह होते हैं। जैसे देवताओं का, हमारे हिल में देवताओं का कल्चर फंक्शन है, मेले है, त्यौहार है, इसमें सब में वीडियो फोटो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हर एक चीज़ का आजकल ज़माना है। तो ये मार्केट स्टडी आप कर लीजिए कि आपने अपने व्यवसाय को कहाँ पे करना है, थोड़ा बहुत डिटेल जो है उसके बारे में आप गैदर कर लीजिए और फिर वहाँ पे जाके आप अपना स्टूडियो सेटअप कीजिए जहाँ आपको अर्निंग की अच्छी संभावना हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने अगर किसी चीज़ को तैयार करना है, प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चर करना है तो आप किस तरह से उसको मैन्युफैक्चर करें। अब हमारे पास मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एटम हमारे पास आती है वो है फोटो एल्बम और लास्ट में है वीडियो फिल्म या डॉक्यूमेंट्री फिल्म या कोई शॉर्ट फिल्म। हम दो टाइप के प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, एक तो एल्बम, फाइनल प्रोडक्शन हमारी एल्बम होती है और दूसरे स्टेज पे हमारे पास वीडियो स्टेज में अगर हम ले लें तो वीडियो फिल्म होती है जो 2 से 3 घंटे की, या शॉर्ट फिल्म होती है 5 से 10 मिनट की, या 1 से 1.5 घंटे की, या 1 से 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती है, या 5 से 10 मिनट का कोई सॉन्ग होता है। तो उसको हमने एक्चुअल तैयार कैसे करना है, तो पहले बात करता हूँ मैं फ़ोटो एल्बम की। दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो आपको अपना बेस्ट देना है, सबसे अच्छा काम करना है, विद बेस्ट कंपोजिशन, बेस्ट एंगल से आपको किसी प्रोग्राम को शूट करना है। आफ्टर द शूट उसको आपने कंप्यूटर पे ले जाके सेकंड स्टेज पे उसको एडिट करना है। एडिट में जैसे कलर करेक्शन हो गई इमेज की, क्रॉप करनी है इमेज को, कि अनवांटेड सब्जेक्ट आपके कंपोजिशन में पहले शूटिंग के दौरान आ गए उसको लेट आउट करना है, आपने उसको निकालना है, किसी चीज़ को इंसर्ट करना है या इमेज को क्रॉप करके दूसरी प्लेटफॉर्म पे ले जाना, सेकंड बैकग्राउंड के ऊपर ले जाना है। तो ये सारा काम करने के बाद जब आप एडिटिंग प्रोसेस को अपने फोटोशॉप के ऊपर कर लेंगे तो उसके बाद जब आप फाइनल शीट्स जो अपने एल्बम की बनाएंगे उसको प्रिंट करने के लिए आपके पास या हिमाचल में इतनी ज़्यादा स्कोप नहीं है प्रिंटिंग के लिए, इसको आपको या तो शिमला या आपके बड़े शहरों में जैसे कांगड़ा या फिर आपको ऊना के शहर हो गए या फिर आपको नेबरिंग स्टेट्स में जैसा चंडीगढ़ हो गया या आपके अंबाला हो गया, आपका जलंधर लुधियाना हो गया या दिल्ली, आपको जाके उसको प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो जैसे कॉमनली हमारा चंडीगढ़ 17 में है 34 सेक्टर में जो है फोटोग्राफी के बहुत बड़े बिजनेस में टाइकून्स बैठे हुए जहाँ पे इसको प्रोडक्शन का अंजाम दिया जाता है। तो इसकी स्टेजेस आती है, फिर आपके एल्बम बनाने की स्टेजेस जो है जैसे क्रिज्मा एल्बम को आपने बनाना है या किसी और टाइप की एल्बम को आपने प्रोड्यूस करना है, तो दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन द बजट, कि कस्टमर का बजट किस हिसाब से आपके पास है। तो वो डिज़ाइन की हुई चीज़ को आप वहाँ पर जाके फाइनलाइज कर सकते हैं एल्बम को बनाने के लिए। सेकेंडली, जब आप वीडियो को आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर जब आप रॉ मटेरियल को वीडियो को एक्सपोज कर देते हैं आपके पेन ड्राइव या आपके कार्ड में आपके पास या डीवीसी में आपके पास वीडियो आ जाती है
तो उसके बाद उसकी सेकंड प्रोडक्शन जो है पोस्ट प्रोडक्शन पे जब आप जाएंगे तो वो आपको एक मेन अच्छे टेक्निकल आदमी के पास, जो अच्छा एडिटर हो, उसको समझ हो शादी से रिलेटेड, मैरिज फोटो वीडियोग्राफी से रिलेटेड कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे करना है, या आप खुद उस वक्त अपने साथ एडिटर के साथ खुद बैठे अपनी रिकॉर्डिंग की हुई चीज़ को कि उसको किस तरह से एडिट करना है, कहाँ पे ट्रांजिक्शंस लगानी है, कहाँ पे कौन सा सॉन्ग फिट करना है, कहाँ पे आपको लोकल सॉन्ग को वॉइस ओवर करना है, या किस तरह से बैड शॉट को आपने निकालना है, तो ये एडिटर के साथ आप बैठ के वहाँ पे वो सारा एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे वेडिंग प्रो है, एड्यूस है, पेनाकल के है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जो है आगे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है बनके तैयार होगा। दोस्तों अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने प्लान करना है किसी चीज़ को करने के लिए, कौन सा डिज़ाइन तैयार करके आपने अपने कस्टमर को देना है, और कैसे आपने फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट करना है। तो दोस्तों अगर आप एल्बम बनाने की सोच रहे हैं तो एल्बमों के भी कई प्रकार के टाइप्स मार्केट में है, जैसा कि क्रिज्मा है, इंडिगो है, इटालिया है और कन्वेरा है। तो इतने टाइप की एल्बम्स जो है आजकल मार्केट में अब अवेलेबल है, इसका डिज़ाइन अलग अलग है, इसके रेट अलग अलग है। आप उसी एल्बम को डिज़ाइन करवाइए या उसी एल्बम को चूज़ कीजिए जैसा बजट आपको आपके कस्टमर ने आपको दिया हुआ है। ऐसा ना हो कि आपने एक हाई क्वालिटी के एल्बम को डिज़ाइन करवा लिया और कस्टमर से आपको पेमेंट लो क्वालिटी की मिले, तो इसमें आपको घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए फाइनल करके आप प्लान कर ले, तैयारी कर ले कि आपने कौन सी एल्बम को फाइनल करवाना है। वैसे ही वीडियो के पोस्ट प्रोडक्शन में जब आपने वीडियो को शूट कर लिया है, आगे पोस्ट प्रोडक्शन में आपने किस टाइप की एडिटिंग करवानी है, उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कराना है या किस तरह से उसको डिज़ाइन कराना है, तो वो भी आप डिसाइड कर लीजिए, एक अच्छी तरह से प्लान कर लीजिए कि किस क्वालिटी का वर्क जो है आपको तैयार करना है। ऐसा ना हो कि आप हाई क्वालिटी का तैयार करा दें और आपको पैसा लो क्वालिटी का मिले, या आप लो क्वालिटी का काम कराए और आप पैसा हाई क्वालिटी का डिमांड करें, तो इससे आपके कस्टमर रिलेशन जो है वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे ढंग से प्लान करना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को देना है। वैसी बात फोटो फ्रेम की आती है, मैक्सिमम काम स्टूडियो में आपके पास आएगा कि जी 8x10 है, 10x12 है, 12x18 है, 18x22 है, इन फोटो को आपको लेमिनेशन करना है या फोटो फ्रेम करनी है। तो आजकल मार्केट में फ़ोटो फ्रेम भी अलग अलग टाइप की आती है, वो 1/2 इंच से लेके 1.5 इंच 3 इंच तक की आपके पास फ्रेम अवेलेबल है मार्केट में। आप कस्टमर को पहले एश्योर कर लीजिए कि आपको किस टाइप की फ़ोटो फ्रेम और डिजिटल फ़ोटो फ्रेम करानी है या सिंपल फ़ोटो फ्रेम करानी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड आप पहले कस्टमर से कर लें, फिर आफ्टर देन ही वो प्लान करें कि आपको कौन सी फ्रेम जो है, किस टाइप की फ्रेम को कराना। क्योंकि आपको अपने स्टूडियो से उठ के उन काम को कराने के लिए कहीं बाहर दूसरे बड़े शहरों में आना पड़ेगा, तो आपका बजटिंग उसमें किराया, या अगर कोई काम आपने एक बार गलत कर दिया है तो दूसरी बार आपको फाइनेंशियल लॉस उसमें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको दूसरी बार वो काम करा के देना पड़ सकता है। तो इसलिए आप काम कराने से पहले अच्छी तरह से प्लान कर लीजिए कि आपको किस टाइप का वर्क जो है अपने कस्टमर को देना है, और आपका कस्टमर कौन से टाइप के काम से सेटिस्फाई होता है।